पीएम मोदी जी का संसद का भाषण चर्चा में है। ऐसा भाषण था कि उनके 3 सांसद सर पकड़ लिए, 2 सांसद आंख मलने लगे, 1 सांसद जमाई लेने लगा और 1 सांसद सो ही गया। उनका भाषण सुन के लोगों को ये फील हो रहा था कि ये पीएम मोदी हैं, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भाषण क्या ऐसा हो सकता है। वो लगातार अपने भाषण में राहुल गांधी जी को बालक कह कह के पुकार रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि उनको बालक बोलने से मोदी जी महान हो जाएंगे, लेकिन उनका भाषण बचकाना लगा राहुल गांधी जी के भाषण के आगे। राहुल गांधी जी के भाषण को जहां संसद टीवी पर 6,49,000 लोग एक साथ देख रहे थे, वहां मोदी जी के भाषण को मात्र 27,000 लोग देख रहे थे। ये आंकड़े बताते हैं कि देश ने अपना नेता चुन लिया है। राहुल गांधी जी जो विपक्ष के ही नेता नहीं है, वो पूरे देश की जनता की आवाज हैं। देश उनमें उम्मीद ढूंढता है, देश उनमें एक ऐसा नेता ढूंढता है जिससे देश की जनता की फिक्र है। मोदी जी को सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की फिक्र है, यानी कि अडानी और अंबानी जी की फिक्र है। अंबानी जी ने जियो का रिचार्ज 25% बढ़ा दिया है। पहले जियो का सिम फ्री में मिलता था, याद होगा आप सबको, और आज 25% ज़्यादा। इससे अनभक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो कहते हैं कि 1,000 रुपये का भी हो जाएगा 1 महीने का रिचार्ज तो भी वोट मोदी जी को ही देंगे। अंधभक्त कह रहे हैं कि नीट स्कैम हुआ, सही नहीं हुआ, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे मोदी जी से, क्योंकि उनको खुद को पता है कि मोदी जी की खुद की डिग्री फर्जी है, तो वो नीट स्कैम हो जाना, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी का भाषण था क्या, उसका विश्लेषण किसी राजनीति शास्त्री को नहीं बल्कि बाल मानसिकता के विशेषज्ञ को करना चाहिए कि आखिर मोदी जी अपने भाषण में कहना क्या चाहते थे। पहले वो बात कर रहे थे कि हमें देश को आगे लेके जाना है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपने रियल स्तर पर आ गए और उन्होंने राहुल गांधी जी को बालक बोल बोल के ट्रोल करना शुरू किया। लेकिन कुछ देर बाद जब राजनीतिक विश्लेषकों ने मोदी जी के भाषण को और राहुल गांधी जी के भाषण को टटोला, तो 6,49,000 लोग एक साथ देखना और 27,000 मात्र मोदी जी के भाषण को एक साथ देखना का बड़ा अंतर सामने आया। तो लोगों के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि क्या ऐसा होता है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का भाषण, संसदीय भाषण ऐसा? उम्मीद नहीं थी लोगों को। आने वाला 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का है। गरीबों के खिलाफ मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि आगे आने वाला 5 वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का है। दिल की बात आखिर मोदी जी के जुबान पर आ ही गई। गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, इसके पहले भी वो गरीबों के खिलाफ ही निर्णायक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अभी तक मुंह पे नहीं आया था, उनके ज़बान पे नहीं आया था, लेकिन आज उनके ज़बान पे भी आ गया कि गरीबों के लिए नहीं लड़ना है, गरीबों के खिलाफ लड़ना है। गरीब और गरीब हो जाएं, मोदी जी को कोई नहीं परवाह, मोदी जी से कोई लेना देना नहीं। वो और उनके 2 मित्र यानी कि अडानी और अंबानी सही से रहने चाहिए।
अपोजिशन लगातार बोलता रहा मणिपुर पर चर्चा करिए मोदी जी, मणिपुर पर चर्चा करिए, लेकिन मणिपुर का म भी मोदी जी के जबान पर नहीं आया। मणिपुर का नाम आते ही वो बार बार पानी पी रहे थे, उनका गला सूख जा रहा था मणिपुर का नाम सुनते ही। अब सवाल ये उठता है, मणिपुर मोदी जी का राज्य रहा, इस बार भले ही मणिपुर की जनता ने भाजपा को लोकसभा इलेक्शन में बाय बाय टाटा बोल दिया, लेकिन मोदी जी का ये भाषण लोग याद तो रखेंगे। राहुल गांधी जी के भाषण पर जहाँ तालियां बज रही थी, उनके काम को सराहा जा रहा था, वहीं मोदी जी के इस बचकाने भाषण को लोग याद तो रखेंगे कि उन्होंने ऐसा प्रधानमंत्री चुन के अपने देश को दुविधा में डाल दिया है। आप सबको क्या लगा मोदी जी का भाषण सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।